सियासत क्या कुछ कहती है, इसको जानने के लिए आज हम लोग मौजूद हैं हापुड़ के विधानसभा। मेरा मतलब जो है ना वो ये है, पहले जनता को लाभ मिले, हम तो अपना लाभ जो है हम अपना लाभ अंदर लेते ही रहते हैं। चलो बढ़िया ठीक है। अरे हिंदू मुस्लिम पर मैं गया नहीं, हिंदू मुस्लिम पर तो मैं गया ही नहीं। चावल भी आजकल प्लास्टिक का आने लगा है। आप असली चावल है बासमती, वो प्लास्टिक के चावल है। नहीं सर, सिलेंडर दिया भी तो है। चक्कर में जो गाँव में जो उजाला लग रहा था उससे ज्यादा अंधेरा हो गया। 6-7 मुख्यमंत्री की सीटें थोड़ी ना है कि आप भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं। बीजेपी की वैक्सीन लगवा ली, ये तो भाजपा ही निकले इंजेक्शन तो चुका के बैठे बीजेपी का। इनका सच्चा ना जाएगा, अब के ये चुनाव में हारेंगे। जनता का क्या गद्दा बना के सो जाए सर जनता? झूठ बोलो योजना, जुमला बनाओ योजना, किसान को गाड़ी के नीचे कुचलो योजना, दलित की बेटी को जलाओ योजना, महिला का अपमान करो योजना, देश की संपत्ति को बेचो योजना। भाजपा की तरफ बातें मत करो, भाजपा ने कुछ नहीं किया। तुमने अपने नेता तक को तो छुड़वाया नहीं, आज हम खाबो। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है पड़ेगा गांधी की टक्कर में। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। आज हम लोग मौजूद हैं हापुड़ की धरती पर। 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आखिर यहां विधानसभा में क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके की तैयारियां हैं, सियासत क्या कुछ कहती है, इसको जानने के लिए आज हम लोग मौजूद हैं हापुड़ की विधानसभा में। यहां पर माहौल तो गर्म है, जनता हमारे साथ है, इसी के साथ सम्मानित नेतागण भी हमारे साथ हैं। क्या कुछ समस्याएं हैं हापुड़ की, उस पर भी बात होगी। इसके साथ ही कितना समाधान किया गया उस पर भी बात होगी, और कितने समाधान की जरूरत है उस पर भी बात होगी। यहां हमारे पास सत्ता पक्ष से भी मौजूद है और इसके साथ ही विपक्ष से भी हमारे साथ नेतागण मौजूद है, साथ ही सम्मानित जनता भी हमारे साथ मौजूद है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक बार जनता के लिए तालियां हो जाए, ठीक है? तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नेता हमारे साथ मौजूद है, खुद ही परिचय का हमारा जो सिलसिला वो शुरू है, तो खुद ही परिचय देंगे, बताइए। मेरा नाम इकबाल कुरैशी है, आप पूर्व अध्यक्ष समाजवादी पार्टी हापुड़ से हूं, और आपका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि जो चीजें हैं बेसिकली आप सरकार की जो खूबियां हैं आप दिखा रहे हैं वो आपके सामने आ जाएगी, जितना विकास हुआ क्षेत्र में, क्योंकि मेरा क्षेत्र NCR में आता है, NCR का अपने आप में एक बहुत महत्व है उसके। आप भी फिर भी एक बुलंदशहर रोड ये जाती है पूरा शहर जब समझ, उस पर भी आएंगे, खूबियों पर भी बात करेंगे, कमियों पर भी बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है इकबाल साहब, ठीक है? आप अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम सैयद रियाजुद्दीन है, मैं कांग्रेस पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष, यही मेरा छोटा सा परिचय है। ठीक है सैयद साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी अपना परिचय बताइएगा। मुझे मरगूब त्यागी कहते हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश का महासचिव हूँ, और पार्टी की तरफ से गढ़वक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र आता है जनपद हापुड़ में, वहां से घोषित प्रत्याशी। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी आपका परिचय दीजिएगा। मेरा नाम अलमास कुरैशी है, मैं भाजपा समन्वय मंच से प्रदेश मंत्री हूँ। मैं भी सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, और आप लोगों ने मुझे मान सम्मान दिया और आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, और हाँ, सरकार ने क्या कुछ किया इस पर बात होगी, सरकार ने क्या कुछ नहीं कर पाया उस पर बात होगी, और जो विपक्ष की पार्टियां हैं जो हवा बनाने की कोशिश में हैं वो क्या कुछ करने जा रही हैं उस पर भी हम खुलकर बात करेंगे। सवाल सबसे पहला सत्ता से होगा कि आखिर ये बताइएगा हापुड़ में आपने क्या कुछ किया, 5 पॉइंट बताइएगा जिसके चलते आपको लगता है कि एक बार फिर से जो सत्ता है वो आपको ही मिलनी चाहिए। हापुड़ में हमने क्या नहीं किया बता सकते हैं आपको? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे क्या कुछ किया है, आप जनता को बताइए। हमने हापुड़ में जो विकास हुआ है, हापुड़ में विकास भी हो रहा है, ये लोग हैं नहीं हो रहा, जो हमारी चीजें हो रही हैं अच्छी हैं वो इन लोगों को नहीं दिखती, जो वो जो और बातें वो इन लोगों को दिखती हैं, उस पर मुद्दे उठते हैं। जनता को दिखती है कि नहीं दिखती? जनता को दिखती है ना वो जनता, मगर अभी तो जनता बोल रही है ना, वो जनता को इन लोगों ने दबा रखा है। अच्छा ठीक है, ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से है, वो समाजवादी पार्टी से है, दोनों ही लोगों ने रथ यात्रा निकालना शुरू कर दिया है, सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकालना शुरू कर दिया है, और दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रियंका गांधी भी अपना हवा बनाने में लगी हुई है, तो ऐसा ही लगता है कि पार्टी को नुकसान हो सकता है? नहीं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, ये लोग करते रहे जो कर रहे हैं। ठीक है चलिए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी पर आते हैं, ये बताइए, बड़ी कोशिश की चचा ने कि भतीजा पार्टी में शामिल कर ले, दोनों का एक साथ मिलन हो जाए, गठबंधन हो जाए, लेकिन वो तो कुछ हुआ नहीं। अब दोनों ही पार्टी अपनी अपनी रथयात्रा में निकल चुकी हैं, आपको नहीं लगता कि आप दोनों बीजेपी का नुकसान बाद में करेंगे, पहले एक दूसरे का ही नुकसान कर देंगे? राजनीति नीति और सिद्धांत पे होती है, किसी का नुकसान फायदे के लिए नहीं होती। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, समाजवादी विचारधारा के आदरणीय राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम चाचा का रथ तो फिर उससे पंचर हो रहा है ना? चाचा का रथ पंचर नहीं हो रहा है, सामाजिक परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कल हमने मथुरा के वृंदावन से करी है, और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज विपक्ष में कोई नेता ऐसा नहीं
जो सड़क पर उतर कर इस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर। भतीजे भी तो कानपुर से शुरू कर दिए। सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत जब हमने करी है तो उसके बाद तो तमाम लोग निकलेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। असली शुरुआत तो हमने करी है ना, जमीन पर उतरने की हमने शुरुआत करी है, अब हमारे पीछे तमाम लोग चलने। बहुत अच्छी लड़ाई किससे है, बीजेपी को हराने की पहली प्रायोरिटी है या फिर अखिलेश यादव जी को ही? समाजवाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की लड़ाई जन आंदोलन है वर्तमान सरकार के खिलाफ। वर्तमान सरकार जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है, वर्तमान सरकार जो नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रही है, वर्तमान सरकार जो अपराध पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, वर्तमान सरकार जो उत्तर प्रदेश के भविष्य को खराब कर रही है। ठीक है, एक एक टेक रहेगा, इसके बाद फिर जनता से आएंगे, इनसे पूछेंगे कि क्या कुछ ये सही कह रहे हैं क्या कुछ गलत कह रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस पर आते हैं। ठीक है, प्रियंका गांधी जी, हमेशा से मैं एक बात कहता हूं कि सबसे ज्यादा भीड़ जुटा हुआ अगर कोई नेता है कांग्रेस में तो प्रियंका गांधी जी को मानता हूं पर्सनली, लेकिन आपको नहीं लगता कि कार्यकर्ताओं में जो जोश भरने की जरूरत थी वो कहीं देर कर दिया आपने, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पे आ गए? नहीं, देखिए, ये आपका मानना है कि कार्यकर्ता में जोश नहीं है या देर कर दी। आप देखेंगे कि हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता पिछले हम प्रदेश में सरकार में नहीं है 30 साल से, लेकिन हमने अपनी विपक्षी भूमिका मजबूती से निभाई है। हमने हर मोर्चे पे सरकार को घेरने का काम किया है और हमने ज्वलंत मुद्दों पर बात करी है, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो सड़क का मुद्दा हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, जितने भी मुद्दे हैं। आज जो किसान का मुद्दा है, जो ये सरकार दावा करती है कि हमने बड़ा विकास किया है, हम विकास कर रहे हैं, इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। ये बता दें कि कहीं इन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाया हो, स्कूल बनाया हो, कोई एम्स बनाया हो, कोई पुल बनाया हो, कोई नई सड़क का निर्माण किया हो, किसी देहात में किसी, उन्होंने कुछ नहीं बनाया, दो चार जो दिखते हैं वो किसने बनाए थे तो बताएं। लेकिन आप देखेंगे कि पिछली योजना में 2012 से 2017 के बीच में इसी हापुड़ में अगर गजराज सिंह कांग्रेस से विधायक हुए तो 350 करोड़ का काम, ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, 350 करोड़ का काम हमने इसमें हापुड़ में कराया, 5.5 करोड़ का पुल हमने बनवाया, हमने गाँवों को शहर में तब्दील किया, पक्की सड़कें बनाई, कंक्रीट सड़कें दी लोगों को। सरकार में सड़कें सही हैं और जो इस हापुड़ की जो सड़कें हैं अब सही हैं। ये जो सरकार का दावा था कि हम गड्ढा मुक्त सड़कें देंगे, तो आपके सामने है कि सड़कों की क्या हालत है। नहीं तो आप सड़कें तो आपने बनाई ना, फिर उसमें गड्ढे कहाँ से, आपने गड्ढे बनाए कि सड़कें बनाई? बात सुनिए, जो हमने काम किया था 2012-17 में, 17 से 2000 अब हम 21 में आ गए, ये जो सरकार दावा करती है कि हम काम कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ये बताएं तो सही कि इन्होंने क्या किया। एक काम बता दे, हम मान जाएंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, कांग्रेस ने बता दिया कि ठीक है उन्होंने जो जो कुछ किया था, लेकिन बीजेपी सरकार में कुछ भी नहीं हो रहा, मुख्य विपक्षी दल आप ही को देखा जाता है, तो ये बताइए कि कैसे लड़ेंगे, लड़ने के लिए क्या कुछ है? अभी तक ट्रंप का इक्का जो होता है, जो एक कहानी होती है, जो मुद्दा बन जाता है, पूरा हवा को चेंज कर देता है, अभी तक आपको लगा कि कोई मुद्दा है जिसके सहारे आप जीतने की कोशिश करेंगे? देखिए, पिछली 5 वर्षीय योजना अखिलेश जी की पूरे प्रदेश में तमाम लोगों ने देखा, बड़ी शानदार योजना रही, जिसका अभी आदरणीय अध्यक्ष जी जिक्र कर रहे थे कि हमने इतना करोड़ हापुड़ के अंदर ये तमाम चीज़ें लगाई हैं। तो मैं आपको जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, अखिलेश जी ने इतना पैसा दिया, भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन थी, उनको लगातार दोनों हाथों से रकम धकेली और उन्होंने पूरे क्षेत्र में विकास का काम किया, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हों या भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन हों। मैं भी बोर्ड का मेंबर रहा हूँ, फ्रीगंज रोड हापुड़ की, वो हमारे कार्यकाल में बनी, तमाम डिवाइडर जितने हैं ये लेके दिल्ली रोड से रामगढ़ रोड तक चले जाओ, मेरठ रोड पे चले जाओ, तमाम डिवाइडर, तमाम पुल, सब अखिलेश यादव जी की देन है। मैं तो एक चीज कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता उनकी देन है, आप कह रहे हैं आपकी देन है, किसकी माने? मेरे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, आप तो 28-30 साल से यूपी में गवर्नमेंट नहीं है इन साहब लोगों की, तो जो अखिलेश जी से बड़े अच्छे मामले थे, हमने निष्पक्ष होकर पैसा दिया, क्या सरकार किसी भी थी, लेकिन इनडायरेक्टली जनता को उसका वो पहुंचना था, तो हमने जनता को, आवाम को, जो प्रतिनिधि थे वो किसी भी दल का था, लेकिन हमने निष्पक्ष होकर सबको पैसा दिया। ठीक है, चलिए, ये बताइए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, प्रदेश की तरफ जाते हैं, ये बताइए, लखीमपुर का जो पूरा मामला था, वो सत्ता का जो सियासी सेंटर था वो बन चुका था, आपको नहीं लगता कि लखीमपुर खीरी मामले में आपने देर कर दी, पूरा जो उसका मुद्दे को जो इनकैश करना था वो कांग्रेस कर गई? मैं इसमें एक चीज, प्रियंका गांधी आगे आगे रही है, प्रियंका गांधी ने पूरे मुद्दे में उन्हीं की शक्ल दिखी है, आप लोग पीछे नहीं रह गए? बिल्कुल, मैं आपसे ये चीज जरूर कहूंगा, जो राजनीतिक क्षेत्र था, मैं वहां राजनीति हम लोग विपक्ष नहीं कर रहा था, राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, अपने तमाम लोगों को दिपका रही थी, छुपा रही थी, बचा रही थी। राजनेता राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? राजनीति नहीं, मैं हकीकत को बयान कर रहे थे हम लोग,
अखिलेश जी सिंपैथी के तौर पर नहीं बल्कि उन किसानों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए बाहर निकला तो छावनी बना दी गई, रात को ही घेर लिया गया। आपने देखा होगा उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया, निकलने नहीं दिया। ये डर था उनको कि अगर अखिलेश चले गए तो ये आप देखना पूरे जितना छत्ता है वो सारे बचा रहे हैं मुलजिमों को, उनको तो पूरा विपक्ष। आप कह रहे हैं कि उस समय वो सहानुभूति के सहारे निकले थे, सहानुभूति के लिए निकले थे, ठीक है, तो अब राजनीति के लिए निकले रथ यात्रा करने। राजनीति क्यों कर रहे हैं, राजनीति तो जनता करा देगी इनको। जो गैस के लिए, सिलेंडर के लिए, जो ऑक्सीजन के लिए, जो दर्द लिया है, जो तड़फे हैं अस्पतालों में, कैजुअल्टी हुई है, एक एक दर का हिसाब उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के लोगों से लेगी। चलिए ठीक है, आप लोगों का सारा पक्ष मिल गया। जनता से कोई कुछ कहना चाहेगा, कोई भी सवाल हो नेता के लिए आप पूछ सकते हैं किसी भी वक्त। हाथ उठा के आप जनता से, आपसे आग्रह करूंगा कि आप लोग कभी भी कोई सवाल जो है अपना पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए। मेरा सवाल यहाँ बीजेपी के कद्दावर नेता बैठे हुए हैं उनसे है कि अगर घर के तीन कोने साफ कर दिए जाएं और चौथा कोना छोड़ दिया जाए तो घर क्या साफ माना जाएगा? जिस रोड को मिनी बाईपास कहा जाता है तगा सराय से लेकर यहाँ तक, उस रोड पर आप जाइए बुलंदशहर रोड पर, आपको गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है पता नहीं चलेगा। कम से कम ये बताइए कि इस सड़क का विकास कब होगा। अच्छा ठीक है, चलिए इनका भी एक मुद्दा था उस पर आप बात करिएगा। ठीक है, इन्होंने अपनी समस्या बताई है। ठीक है, अब ये बताइए, वो पूछ रहे हैं कि गड्ढों पर सड़क है या सड़क पे गड्ढे हैं। मैं परसों जो था लाइव आया था तो लखनपुर खीरी का पहले मैं मेट्रो उठाता हूं तो उसमें मुझसे ही पूछा। पहले ये बता दीजिए आप, सड़क पे गड्ढे गड़क पे सड्ढे, बहुत बढ़िया बात। मैं इस बात पर पहुंचूंगा, मैं पहले पूछना चाहता हूं, मैं उस बात को यहां तक भी लाऊंगा। पहले मैं नहीं, जलेबी बनाकर पहुंचेंगे नहीं, मैं बात को डिस्कस करूंगा पूरी। उन्होंने पहले यूं बोला कि मैं जब परसों मीडिया में लाइव था कि भाई आप अपने नेता को पहले उतार लें उसके बाद इंसाफ होगा। हमारे नेता गद्दी पर बैठा रहे, इंसाफ हुआ है वो जेल गया है। ठीक है, ऐसे ही पहले हम जो है उसके मुद्दे का जो है उस तक मुद्दे तक पहुंचे। लखीमपुर की बात कर रहे हैं आप, तो इतना देर कैसे लग गया? 5 दिन लग गए, 6 दिन लग गए, नेता तो बढ़िया घूम रहा है, वीडियो बाइट दे रहा है, उसके बाद 6 दिन बाद गिरफ्तारी? उसके बाद नहीं हुई, पहले हम मुद्दे तक पहुंचेंगे, पहले हम किसी बात के मुद्दे तक पहुंचेंगे उसके बाद होंगे। एकदम कोई चीज नहीं होती कहीं भी, एक भी कोई भी चीज नहीं होगी। ठीक है, आप उस पर चलिए, ठीक है, मैं इस पर, ठीक है ठीक है, लखीमपुर वाला मैटर मिल गया मेरे को, मैं आ रहा हूँ उसी पर आ रहा हूँ। ये बताइए ठीक है ठीक है ठीक है, ये बताइए जो सड़क पे गड्ढे हैं, गड्ढे पे सड़क, उनका जो सवाल है उसका जवाब दीजिए पहले। सर होगा, कब होगा, कब होगा? आने वाले वक्त में होगा, मुद्दे तक आदमी हर चीज होती है। सबसे ज्यादा भाजपा सरकार ने योजनाएं दी है, किसी ने तो योजनाएं, वो सड़क का मसला बताइए, वो उतारा है कि होगा, सड़क बनेगी, कब बनेगी भैया? जब आपकी सरकार चली जाएगी तब बनेगी। सरकार क्यों नहीं, सरकार ने यहाँ पे सड़कें नहीं बनी है। अरे नहीं, ये बताइए, आपने कहा कि बनेंगी, कब बनेगी भैया? अभी बनेंगे, अभी इसी 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद। नहीं नहीं, अभी इसी में बनवाएंगे। अच्छा ठीक है, चुनाव आ रहा है तो चुनाव से 4-5-10 दिन पहले बन जाए। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो ये सिकंदर गेट से आपका नई चुंगी पे जो जिसको मिनी बाईपास कहा जाता है वो सड़क हमने 2013 में बनवाई थी। जब कहे आप दोनों के बीच में मसला है, आप कहते हैं आपने बनवाई, आप कहते हैं आपने बनवाई, पहले इसको क्लैरिटी दीजिए, मेरे को क्लियर होना चाहिए। हाँ ठीक है, ये कह रहे हैं इन्होंने बनवाई, एक मिनट पहले क्लियर करें, आपने इनका विधायक थे, इन्होंने बनवाई, इनके विधायक हमारे जनप्रतिनिधि वो थे अखिलेश यादव, गजराज सिंह जी यहाँ विधायक थे, मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे। अखिलेश जी ने खुद हमको कहा था कि आपके विधायक बननी है वो वाली सड़क नहीं बननी, उन्होंने लिख के दिया था और उन्होंने कहा था कि विधायक जी ने मुझसे इतना पैसा हापुड़ के लिए मांगा, कुछ सड़कें हैं गांवों की हैं, सैंक्शन कर दिया अमाउंट। ठीक है, इनके 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 मुख्यमंत्री अगर सैंक्शन ना करते तो आपका कहां से काम होता। मैं चाहता हूं जो सड़क हमने 2013 में बनवाई थी विधायक निधि से, उस सड़क में जो आते आते हमने बहुत रिक्वेस्ट किया कि उसमें लॉकिंग टायर लग जाए साइड में, क्योंकि सड़क टूट जाएगी, हमने बड़ी मेहनत से सड़क बनवाई थी, लेकिन ये सरकार गूंगी बहरी सरकार जिसके कान पे जू चलने को तैयार नहीं, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं, हम लिख लिख के थक गए, बता बता के थक गए, चेयरमैन को रिक्वेस्ट किए, ईओ को रिक्वेस्ट किए, एडीएम को करे, डीएम को करे, ये लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हमने पर्सनली भी रिक्वेस्ट किया कि भाई एक सड़क है वो टूट जाएगी, उसमें आप लॉकिंग टाइल साइड में लगवा दीजिए, लेकिन वो होना ये था कि जब लॉकिंग टाइल नहीं लगी तो सड़क टूट गई और वो टूटनी शुरू हो गई, उसका बुरा हाल है आज। मोटा माटी बात इन्होंने ये कही कि बीजेपी सरकार जो है वो अभी इनकी नहीं सुनती, ये गूंगी बहरी सरकार है जैसा कि इन्होंने कहा। ठीक है, समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी वो आपकी सुना करती थी और काम हुआ, बिल्कुल काम हुआ। नहीं सुनिए, ये मैं अंदर खाने कोई मीटिंग चल रही है, मैं एक बात बता दूं, जो समाजवादी पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, उन्होंने अपनी दलगत राजनीति से उठ के
पूरे प्रदेश का उन्होंने विकास किया, इसमें कोई शक नहीं है। जो विपक्ष के लोग थे उन्होंने उनको सहयोग किया, उनको पैसा भी सेंक्शन किया और सब जगह जो विधायक थे उन्होंने अपना काम किया। ठीक है, प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकता क्या है, जनसेवा प्राथमिकता है, राजनीति प्राथमिकता है, सत्ता जनसेवा प्राथमिकता, जनसेवा अगर प्राथमिकता है तो आप कह रहे हैं मुलायम सिंह सरकार में आपको सब कुछ करने का मौका मिलता था, तो ऐसे में जब आप समर्थन देकर इनको और मजबूत बना सकते हैं तो ऐसे में आपको नहीं लगता आप अलग अलग अगर लड़ेंगे बीजेपी के खिलाफ तो आप लोग आपस में ही लड़ रहे हैं? देखिए, ये आने वाला समय तय करेगा कि हम अलग लड़ेंगे या मिलके तय करेंगे, ये बहुत ऊपर की बात है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, अभी बहुत अर्ली स्टेज है। देखिए, हमारी नेता ने भी कहा है कि सारे विकल्प खुले हुए हैं, हम जैसा, लेकिन हमारा जो आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है सरकार को घेरना, सरकार की विफलताओं को उठाना, किसान का मुद्दा जो सबका पेट पालता है, आज किसान 9 महीने से सड़क पे है जिसके ऊपर बर्बरता से गाड़ी चढ़ा दी गई और मुख्यमंत्री आंख मूंदे बैठे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। कह रहे हैं कि किसानों का मुद्दा जो है इस बार भी चुनाव में जोर शोर से उठेगा। हाँ ठीक है, मुद्दे तो बहुत हैं, पेट्रोल का मुद्दा, गैस का मुद्दा, दाल चावल, तो कहते हैं सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, सर बता रहा हूँ तमाम सारी योजनाएं हैं। और मैं एक चीज और कह रहा हूँ, आप इस आपके मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का खेल खेल रही है कि सेकुलर लोगों को भी, नौजवान बच्चों को भी बजाय नौकरी देने के उनको सड़कों पर लगा दिया हुड़दंग काटने के, ये समाजवादी पार्टी में नहीं होता था। ये चीजें हम लोग विकास की बात करते थे, लगाते थे कहाँ पे, लगाते थे कहाँ, लगाते थे हम तो विकास की बात करते थे, रोजगार की बात करते थे, गरीबों को तमाम चीजें सुख सुविधा देने की बात करते, चलिए ठीक है, चल थोड़ी ना करते थे, मुसलमानों की बात करते हैं। ठीक है, चलिए ये बताइए, ठीक है चलिए ये बताइए, आपको लेकर जो आरोप लगते हैं बीजेपी के, मैं थोड़े दिनों पहले योगी आदित्यनाथ को भी सुन रहा था, वो कह रहे थे कि MY गणित जो है वो आपका फेल होने वाला है, असदुद्दीन ओवैसी भी इस बार मैदान में, आपको लगता है कि आपका गणित जो है वो कहीं ना कहीं? देखिए भाई साहब, अभी आपने बराबर का चुनाव देखा था, बिहार का देखा, बिहार से आप बंगाल के चले गए, उत्तर प्रदेश की बारी है, दोनों जगह खेला हुआ, वो गलत फहमी का शिकार है, जनता समझती है, उन्होंने कुछ दिन तक तो आदमी बहका सकता है ना जनता को, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना खेल खेल लिया, ये दो योजना केंद्र में जा रही। 2017 में जनता को क्या हुआ था, समझ नहीं पाई थी या समझ गई थी आपको? मैं समझ नहीं पाई थी, जो झूठे लोग हैं वो समझदार लोगों पे कभी कभी भारी पड़ जाते हैं। आप देख लो पूरा देश बिक रहा है, हवाई अड्डे बेच दिए, तमाम LIC बेच दिए, तमाम चीजें बेच दी, फिर भी हमारे मुल्क के लोग, आप समझे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया जितना यहाँ पर अंधेर कलेश हो रहा है सब आपकी वजह से हो रहा है, सब आपने नुकसान कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, विकास दिख नहीं रहा, सब कुछ खत्म। असल से मुद्दे उठाने वाले हैं, मुद्दे उठाएंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ मुद्दे उठाने वाले मुद्दे उठाएंगे, इनने क्या करें ना उठाएं, उठाएंगे ना, उठा रहे हैं, मुझे इनसे कोई दिक्कत नहीं है। असल से बताएं, सबसे ज्यादा योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने दी हैं, और ये मैं कहना चाहता हूँ कि मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी सरकार में योजनाएं आई? ठीक है चलिए, आपने ठीक है, जनता पूछ रही है, जनता पूछ रही है, योजनाओं के नाम बता दीजिए एक बार तो। ठीक है देखिए, विधान देखिए, हापुड़ विधानसभा देखिए, जनता हमारे साथ सामने बैठी है, सम्मानित जनता, उसी का सवाल है, आपको ट्रांसफर कर देता हूँ इधर से इधर। ये बताइए, ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी योजना है भैया आप जो मुंह से बोल रहे हैं जिसका इन्हें लाभ मिल गया? आयुष्मान योजना ही 2.5-2.5 लाख रुपए मोदी जी ने दिए मकान बनाने को। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये बताइए आपके अकाउंट में 2.5 लाख रुपए आ गए? नहीं आए। ठीक है दूसरी, हाँ 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए किसके अकाउंट में? अरे 2.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में आए, आपके अकाउंट में आए। मैं कोई, मैंने फॉर्म थोड़ी भरा था। अरे आप क्यों, आप क्यों नहीं भरेंगे, आप क्यों नहीं भरेंगे? मुझे मकान बनाना है, मैं भाजपा का नेता होकर मकान बनवाऊंगा। अरे लो भैया ये कह रहे हैं, इनका कहना है मैं भाजपा का नेता होकर कोई मकान बनवाऊंगा, भाजपा का नेता मकान नहीं बनवाता। मतलब मैं 2.5 लाख क्यों लूंगा उनसे, मेरी पार्टी दे रही है। किन्हें दे रही है? आदमियों को दिया, कहीं हिंदू मुस्लिम करा भाजपा ने? हिंदू मुस्लिम, अरे हिंदू मुस्लिम पर मैं गया नहीं, हिंदू मुस्लिम पर तो मैं गया ही नहीं। देखो भैया, हिंदू मुस्लिम की तो मैंने बात ही नहीं करी और हिंदू मुस्लिम पर पहुंच गए। मैं कह रहा हूँ हमारी सरकार निष्पक्ष है, हम जीत 2022 की तैयारी में है, जनता जानती है हम जीत के दिखाएंगे। नहीं, जनता तो जानती है। ठीक है, दो चीजों पर आऊंगा, दो चीजों पर, एक मिनट आ रहा हूँ, सब पर आऊंगा, दो चीजों की बात करूंगा। दो चीजें मैंने इनकी जो पकड़ी वो दो ये थी, इन्होंने पहले कहा कि 2.5 लाख रुपए मैं क्यों लूंगा, मैं तो बीजेपी का नेता हूँ, इसका थोड़ा मतलब बता दीजिए। मैं क्यों लूंगा, मैं ये तो कह रहा हूँ योजनाओं का लाभ जनता के लिए है, ना कि मेरे लिए। ठीक है, ये कह रहा है, ठीक है, इसी बात से दूसरी बात पकड़ ली, इन्होंने कहा कि योजनाओं का जो लाभ है वो जनता के लिए, मेरे लिए नहीं है। आप कौन, जनता से अलग है?
मेरा मतलब जो है ना वो ये है, पहले जनता को लाभ मिले, हम तो अपना लाभ जो है हम अपना लाभ अंदर लेते ही रहते हैं। चलो भैया ठीक है। दूसरी चीज आपने नहीं, आपने कहा जनता को लाभ मिल जाए, हमारा तो ठीक है। चलिए अब ये बताइए मैं आपसे योजनाओं पर सवाल कर रहा था। आपने कहा हम हिंदू मुस्लिम नहीं करवाते। जब मैं स्कूल में पढ़ता था फोन लेकर जाता था, अध्यापक खड़ा करता था, खड़े हो जाओ, मैं बोल देता था सर मैं फोन लेकर नहीं आया, पहले ही बोल देता था। आपने क्यों बोला कि हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हम? वो अभी यूं कह रहे थे, आपके मन में चोर है? हमारे मन में चोर नहीं है कोई। आपने हिंदू मुस्लिम नहीं करते, हम क्यों बोला? लोग कहते हैं इस बात को। कौन कहता है? जनता कहती है। अरे अभी तो सवाल ही नहीं हुआ। जनता कहती है इस बात को, आप मानते हैं? जनता कहती है, हम जनता मानते हैं, मगर हम जो है ना हम इस बात कहते हैं हम चोर नहीं है। क्यों हम? अरे मैंने कब बोला, अरे रुकिए एक मिनट, मैंने कब बोला आप चोर हैं? आप कह रहे मैं चोर नहीं हूँ, अभी तो बोल लेते आप। मैंने कब बोला? आप अभी तो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने ये कहा जनता सब जानती है और जनता हमारे विश्वास। जनता कहाँ जानती है? जनता तो कह रही है चोर है। ठीक है नहीं आराम। देखिए ठीक है, माहौल पे रहेंगे। नहीं, सवाल होते रहेंगे। ठीक है। नहीं सो सिलेंडर दिया भी तो है, सिलेंडर घर पर पहुंचा भी तो है। हमें कोई सिलेंडर मिला, 400 रुपए का 425 सिलेंडर आता था, आज सिलेंडर 940 रुपए का। उज्ज्वला योजना के तहत इन्होंने बांटे। उज्ज्वला के चक्कर में जो गांव में जो उजाला करा था उससे ज्यादा अंधेरा हो गया। एक मिनट, उससे ज्यादा और अंधेरा हो चुका गांव में। बिजली का बिल देख लो आप, पेट्रोल देख लो आप, पेट्रोल कितना हो रहा है? 104 रुपए हो रहा पेट्रोल। ठीक है, 104 रुपए। अब बाइक खड़ी हो गई अंदर, आदमी गाँव वाले साइकिल से जा रहे जॉब करने काम करने। पहले बात तो जो भी नहीं है भी तो साइकिल से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। अब बताओ बढ़िया है ना, पॉल्यूशन कम होगा, ये तो कह रही है बीजेपी। ये तो चाह रही है ये सब कम हो जाए, ये चाह रही पूरी दुनिया कम हो जाए, कोरोना के चक्कर में सब चीज़ को कम कर दिया इन्होंने। बताओ बड़ी भैया बड़ी शिकायतें हैं। ये बताइए मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी करें भैया? इनके लिए गराज वराज की व्यवस्था करा दीजिए। गराज की व्यवस्था करा दीजिए? वो कहाँ चला पा रहे हैं? वो कह रहे हैं पेट्रोल का इतना पैसा, इतना महंगा हो गया पेट्रोल, वो कुछ नहीं चला पा रहे, वो कह रहे साइकिलों से आना पड़ता है, मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी करें? मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो हर चीज का मुद्दा होता मुद्दे। आपकी आवाज धीमी क्यों हो गई? थोड़ा तेजी सा धीमी हुई मेरा थोड़ा सा, सुनिए मेरी आवाज धीमी नहीं है, बोलना चाहूंगा और भी लाउड बोल सकता हूँ। जब पहले मैं ये नहीं कहता था, रोल मचाते हैं, मैं आराम और रोल मचाता है, मैं आराम से बोलना चाहता हूँ, थोड़ी सी मेरी आवाज बैठ। अभी आप कह रहे थे जनता है, सम्मानित जनता, अब आप कह रहे हैं कि ये लोग ऐसे ही। सुनो मेरी, मैं क्या कहना चाहता हूँ, किसी मुद्दे से हम मुद्दे तक पहुंचेंगे और इस बात को निष्पक्ष होंगे। ये कहते हैं 104। चलिए ठीक है, मेरा आपसे आग्रह है, जनता की मैंने बात सुनी, मेरा आपसे ये आग्रह है पर्सनली कि आप एक काम करिए, उनकी मोटरसाइकिल खड़ी करने के लिए जो पुराने जो उनके वाहन उन्हें खड़ा करने के लिए गराज की व्यवस्था करा दीजिए। चला तो वो पा नहीं रहे, पर गराज की व्यवस्था चला नहीं पा रहे, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल अपने घर ले जाकर खड़ी करवा दो इनकी गाड़ी, अपने घर खड़ी करवा दो, ये देने ठीक है। कहाँ खड़ी करें? अपने घर पे। ठीक है, अपने घर पे खड़ी कर दें। नहीं खड़ी करा लूंगा। ठीक है, इनका कहना है पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ गए हैं, तो मोटरसाइकिल गाड़ी जो भी अपना कहीं रखिए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के पास केवल दो चीज है। आपके पास क्या है? हमारे पास जनता के मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर हम सड़क पर उतर रहे हैं जनवादी सरकार के खिलाफ। आपका आपके भतीजे से मुद्दा सुलझ नहीं पा रहा, आपके पास क्या मुद्दा है? हमारे पास मुद्दा ये है कि हम परिवार की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अगर अपने समाजवादी से नहीं, आप प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भूल गए। नहीं, समाजवादी पार्टी अगर अपने उद्देश्यों से भटक जाएगी तो उनके नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने खुद ये कहा था कि यदि समाजवादी कार्यकर्ता अपने मुद्दे से भटक जाएं तो ये असली समाजवादियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो सड़कों पर उतरें। हम राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। ठीक है, आपने कहा कि समाजवादी लोग जब अपने मुद्दों से भटक जाए तो मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि असली समाजवादियों का काम है कि जनता के मुद्दे लेकर जाए। ठीक है, और मुलायम सिंह यादव जो है वो भटके हुए समाजवादियों को आशीर्वाद दे रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी शिवपाल सिंह यादव जी के साथ मंच पर आकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का झंडा शिवपाल जी को दिया और कहा कि आप जनता में जाइए। आपको झंडा दिया, उन्हें आशीर्वाद दे दिया। अब ऐसा है ना, आशीर्वाद तो पुत्र कुपुत्र भी हो तब भी आशीर्वाद दिया जाता है। वो मुलायम सिंह जी ने कहा भी था कि पुत्र है, पुत्र कहो या कुछ भी कहो, आशीर्वाद तो मजबूरी है। अब कौन अपने औलाद को घर से ऐसा लगता है आप ज्यादा मजबूर लगते हैं। थोड़े दिनों पहले आप कह रहे थे कि 12 तारीख तक मान जाएं तो अखिलेश यादव के साथ हम चले जाएंगे, तो आप भी तो मजबूर लग रहे हैं। नहीं माने वो, आप नहीं जा पाए। हमने नहीं माने, हमने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सभी समाजवादी शक्तियां एक होती हों
और अखिलेश यादव जी हमारे साथ आना चाहते हो तो हम अखिलेश यादव जी के साथ मिलकर इस सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। हमने कभी ये नहीं कहा, हम आज भी इस बात के लिए कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जनता के लिए सड़कों पर उतरी है। जितनी भी समाज अभी आप पुत्र कुपुत्र की बातें कर रहे थे, अब कह रहे हैं जनता के लिए उतरी, आपका समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए आप पर आते हैं। हाँ जी, मैं पहले मुस्कुराने के पीछे का कारण बता दीजिए। कारण बहुत सारी चीजें हैं। मतलब किस पे मुस्कुरा रहे हैं, प्रगतिशील पर मुस्कुरा रहे हैं कि बीजेपी पर मुस्कुरा रहे हैं? मुस्कुरा रहा हूँ मैं। ये मेरा कहना ये है, देखो जो घर के बड़े होते हैं, आदरणीय मुलायम सिंह यादव वो अखिलेश जी के भी नेता है, वो शिवपाल जी के नेता है, मेरे मरगूब भाई के भी नेता है। शिवपाल जी भी तो आपके नेता है? मेरे नेता है, मेरे नेता, मैं मना नहीं कर रहा। देखिए उन्होंने खुले मन से कह दिया अखिलेश जी ने कि चाचा जी का स्वागत है, वो जहाँ से चाहे वहाँ से लड़ लें, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो सरपरस्त हैं पार्टी के और हमेशा रहेंगे। अब आप देखो हमारी एक आंकड़ा 50+ हो गए हैं और शिवपाल जी हमसे भी बड़े हमारे नेता हैं और सरपरस्ती करेंगे, अब वो हमारी वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ समाजवादी पार्टी। शिवपाल जी आपके नेता है? बिल्कुल नेता है। मैं शिवपाल, प्रगतिशील समाजवादी की पार्टी की तरफ से समाज पार्टी में मेरे नेता है शिवपाल भी, अखिलेश यादव मेरे नेता है, मुलायम सिंह यादव मेरे नेता है। ये पारिवारिक मामला है। तो पार्टी में परिवार कहाँ से, मतलब ये तो पब्लिक फोरम पर आप आ गए ना, इसमें परिवार कहाँ से? मैं आपको कह रहा हूँ, मसला ये है कि दोनों लोगों का लक्ष्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो आवाम को सता रही है, हमको उनको सत्ता से बेदखल करना है। इसका मसला है परिवार का मसला, पार्टी का मसला है? अखिलेश जी का मसला है। अखिलेश जी कौन? मुलायम सिंह जी का मसला है। मतलब परिवार का मसला है, परिवार का मसला है। मुलायम सिंह अखिलेश जी अलग थोड़ी है, और जो इसमें हमारी विचारधारा में आना चाहता है उनका स्वागत है, मरगूब जी के लिए भी परिवार में आना चाहता है, बिल्कुल आ जाए। समाजवादी पार्टी के दरवाजे खुले हैं, हमने कभी मना नहीं किया, कभी शिवपाल जी के लिए रास्ता बंद नहीं है, वो हमारे नेता है बड़े। अखिलेश जी का बिल्कुल खुला है कि आप आइए, कोई बात नहीं, विचार तो की लड़ाई है, और वैसे कोई लड़ाई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं। यहां से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से खड़ा होगा प्रत्याशी? देखिए वो अभी अखिलेश जी का जो जिन तैयारी चल रही है, आप तैयारी कर रहे हैं? मैं तैयारी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ कुछ तो पता होगा, चुनाव सर पर तैयारी कर रहे हैं? मैं अपनी पार्टी की तैयारी कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की तैयारी कर रहा हूँ। तो आप अगर समाजवादी पार्टी की तैयारी कर रहे हैं, समाजवादी विचारधारा के जो लोग हैं, आधे तो उधर हो गए, आधे आप तैयारी करके इधर खींच लाए? मरगूब त्यागी जी के अलावा वह कोई नहीं है, सब समाजवादी, ये भी समाजवादी विचारधारा के हैं। आप देखेंगे मतलब अंदर खाने प्रगतिशील के लिए काम कर रहे हैं? आप देखिए, नहीं आप नहीं कर रहे हैं, मैं समाजवादी, आप ही ने तो कहा कि वही नेता है मरगूब जी, नेता है, उन्हीं के लिए तैयारी चल रही है, उन्हीं के लिए काम चल रहा है। भाई हमारे नेता है, भाई है हमारे। अरे आपने जितनी दफा अखिलेश जी को नेता नहीं बताया, उससे ज्यादा बार शिवपाल सिंह हमारे नेता है, मरगूब जी हमारे नेता है। आप चल क्या रहा, चाय नाश्ता कहाँ चल रहा है? चाय नाश्ता कुछ नहीं चल रहा, ये हमारी परिवार की कुछ बातें हैं, वो हम आपस में ले लेंगे, आप देख रहे। ठीक है, ये समझ लीजिए जनता, आप समझ लीजिए, ये कह रहे हैं कि हमारा परिवार का मसला है, जनता जनता है। ठीक है, चाचा भतीजे भैया खूनी रिश्ता होता है, आप चुनाव में देखिएगा, आपको एक मंच पर नजर आएंगे चाचा भतीजे, आप चिंता मत। जनता किसे चुने, नेता चुने कि चाचा भतीजों का झगड़ा देखे, ये सब चुने? बस जनता, भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम। रुकिए एक मिनट, रुकिए एक मिनट, ये बताइए जनता किसको देखे, ये कोई एकता का सीरियल चल रहा है क्या? क्योंकि सास भी कभी बहू है कि चाचा भतीजे लड़ रहे हैं, किसे देखे किसे ना देखे। अखिलेश जी पूरे भारतवर्ष के नेता है, पूरे प्रदेश के नेता है, चाचा जी के लिए पूरा एक सीट खाली कर दी गई है, वो आओ और सरपरस्ती करो उनके लिए। कल तक जिन चाचा और जिन पिताजी की पूरी पार्टी थी, उनके लिए एक सीट खाली करी गई है। भाई वो जसवंत नगर से लड़ते हैं, उनके लिए आज उनकी पार्टी के लिए मैं बात करूँ, पार्टी के लिए कितनी खाली कर दी, मर्जी है, वो आना चाहते हैं आ जाए, हमारे दरवाजे खुले हैं। ठीक है, दरवाजे खुले हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं तो एक सवाल जवाब ले लेता हूँ, दरवाजे खुले जा क्यों नहीं रहे? देखिए मतलब क्या, दरवाजे खुले हैं तो जा क्यों नहीं, अंदर जाने में क्या समस्या आ रही है? बीजेपी वालों ने कुछ दिखा दिया? एक बात याद रखिएगा, राजनीति के अंदर ना दरवाजे खुले हर पार्टी के होते हैं, कोई पार्टी ऐसी नहीं जो ये कहती हो कि हमारे दरवाजे बंद हैं, हर पार्टी ये कहती है कि हमारे दरवाजे। एक मिनट, वो चाचा भतीजा बताते बताते नहीं रुके, आपने कहा सबके दरवाजे खुले हैं, वो कह रहे हैं सबके दरवाजे खुले हैं, आपके कोई अनोखे नहीं खुले हैं? जो सेकुलर दल है, जो समाजवादी पार्टी में अपनी आस्था रखते हैं, उनके लिए दरवाजे खुले हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को एक टारगेट है, जो किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, व्यापारी विरोधी है। और आप ये समझ लीजिए कि आज देखा जो हालात उत्तर प्रदेश के अंदर, अफरा तफरी का माहौल है, गैस कहाँ है, पेट्रोल कहाँ है, आपकी रथ यात्रा आज कहाँ है? मेरी तो प्रदेश में घूम रही है। घूम रही है, कुछ कर पाएगी? क्यों नहीं कर पाएगी, परिवर्तन देखना, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे और बहुत बड़े बहुमत से सरकार बनाएंगे। उसके प्रियंका गांधी जी से डर लग रहा है? किसको डर लग रहा है? आपको। प्रियंका गांधी अपना काम कर रही है, शिद्दत से निभा रही है। वो शिद्दत से अगर ज्यादा काम कर गई तो आप नहीं दिखेंगे? अगर वो मेरी बात सुनिए, मेरा अधिकार नहीं है कि किसी को रोकूंगा, आप समझिए, जो काम उनका है वो शिद्दत से कर रही है, जनता की आवाज उठा रही है,
समाजवादी पार्टी का काम है कि आवाम जो उत्तर प्रदेश की गरीब जनता है जिनकी जेबें आवाज उठा ले रही तो आपकी क्या फिर जरूरत है उनकी आवाज पे रोक लगा दूं तो सबको दिख रहा है आपको भी दिख रहा है आपको भी ये दिख रहा है कि वो आवाज उठा रही है आपको क्यों नहीं दिख रहा ये बताइए उन्हें तो दिख ही रहा है वो तो कांग्रेस है उन्हें दिख रहा है आवाज उठ रही है उठा रही है मैं अंधा थोड़ी ना बैठा प्रदेश में जो आपको दिख रहा है कि प्रियंका गांधी की हवा चल रही है कर रही है वो ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी की हवा चल रही है ठीक है बहुत बढ़िया तालियां हो जाए ठीक है काविंदी जी मैं कहना चाहूंगा कि क्यों पड़े हो चक्कर में अरे सुन लीजिए मैं सबसे कहना चाहूंगा अजी क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है प्रियंका जी की टक्कर में ठीक है चलिए ये नहीं कहा मैंने कहा वो अपना काम कर रहे हैं जो विपक्ष को दो चार मिनट बाद समझ में आया हाँ बताइए जो मैंने हवा की बात मैंने कहा वो अपना काम कर रही है क्षेत्र में है आदरणीय अखिलेश यादव अपना काम कर रहे हैं और विपक्ष का काम समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती से कर रही है भैया छह सात मुख्यमंत्री की सीटें थोड़ी ना है कि आप भी काम कर रहे हैं सरकार बनने पे 6-7 मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो चलिए अब जनता पर चलते हैं जनता से ही बातचीत कर लेते हैं जी बताइए आप काफी देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे बताइए मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ बताने की जरूरत ही नहीं थी टोपी लाल सब साफ और यहाँ पर बीजेपी ने वो हाल इस देश का कर दिया है ऐसा हाल अंग्रेजों ने भी नहीं किया था इतना जुलम ढारे हैं कोई सुनने को तैयार नहीं कहते विकास कर रहे हैं हम कोई विकास नहीं कर रहे हैं ये सड़क कोई नहीं बनवा रहे हैं सारे कोई वो कहने को मैं दस हजार नौकरी ये इन्होंने जो नौकरी सरकारी वो भी खो दी ये तो लूट मचा रहे हैं झूठ बहुत बोलते हैं इनका सत्यानाश जाएगा अब के ये चुनाव में हारेंगे हर हालत में हारेंगे कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और जनता उनके साथ होगी जनता मर चुकी है अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस को कहना चाहता हूँ कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है आपको बता देना चाहता हूँ ये दोनों देवर भाभी है ठीक है नहीं बहुत बढ़िया कुछ कहना चाहते हैं हम गलत बात कह रहे हैं ये इस तरह की बात नहीं चलेगी चाचा गलत बयानी नहीं चलेगी मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ जो हमारे आदरणीय विधायक जी गजराज सिंह जी उन्होंने इतना शहर के लिए काम करा हापुड़ सदर के लिए उन्होंने इतना काम करा और यकीन मानिए अगर हापुड़ शहर का एक विधायक अपनी सरकार ना होते हुए भी शहर के अंदर इतना विकास का काम करा सकता है तो सोचिए अगर इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार आ गई तो कितना काम होगा ठीक है चलिए आप भी कुछ कहना चाह रहे थे हाँ बताइए ये जो बीजेपी सरकार है ना ये जुमलों की सरकार है इनकी जुमलों की अच्छा हाँ। 15,000 हुए 2.5 लाख हुए सब ये जुमले 15,000 की कब बात 15 लाख खाते में आ रहे थे 15 लाख आए चले लिए और आए 15 लाख की थी खाते में आए हो तो बूझ लो इनसे नेताजी से ठीक है आप बताइए 15 लाख की बात कर दी खैर हालांकि वो कुछ और था मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे कहने दीजिए सुन लीजिए जवाब भी मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे ज्यादा योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने दी हैं अरे आपका एक मिनट हाँ हाँ बताइए पहले मेरी बात सुने 15 लाख का मुद्दा वो है मैं आपको बोल रहा हूँ उस पर भी बोलूंगा मैं नहीं बोलूंगा आपसे मैं ये नहीं कह रहा ठीक है आयुष्मान योजना आई उसमें 5 लाख रुपए हर गरीब परिवार में इलाज के लिए दिए गरीब आदमियों को हमने मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए दिए ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो भाजपा ने दी हैं और ये 15 लाख वाला जो मुद्दा है ये भी होगा जल्द से जल्द हम ठीक है आपको नहीं लगता ठीक है आपको नहीं लगता एक मिनट आपको नहीं लगता कि आप अपनी पोल खोल रहे हैं नहीं मैं योजनाएं बता रहा हूँ ना मैंने जो भारतीय जनता पार्टी अरे एक मिनट देखिए आप सुनिए आप लोग सियासी लोग हैं आप लोगों की तमाम कहानियां हो सकती हैं आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं लेकिन पत्रकारिता के तौर पर बताता हूं कि 15 लाख की जो बात थी वो दरअसल कुछ और कॉन्टेक्स्ट में कही गई थी ठीक है लेकिन आप तो यहाँ खुद ही पोल खोल रहे कि मिल जाएंगे 15 लाख नहीं मैं 15 लाख को नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ इन्होंने जो जवाब करा ना ये 15 लाख नहीं आए हम आने वाले थे नहीं मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ आने वाले हैं उस बात सबको जो है उस बात का जवाब मिलेगा जनता जानते हैं 15 लाख का क्या आप तो फंस गए क्या 15 लाख का क्या आ रहे हैं NFT हो गई नहीं उस मुद्दे तक बैंक में फंसे हुए बैंक बंद है 15 लाख भी मिलेंगे मुद्दे तक पहुंचे पंद्रह तक पहुंचेंगे मुद्दे तक 15 लाख भी देंगे मुद्दा का क्या गद्दा बना के सो जाए सर जनता आप ये बताइए कब ये 2022 के इलेक्शन के बाद बता देंगे आप ठीक है चलिए हाँ हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना उसमें लोगों को 2.5 लाख रुपए का जुमला दिया गया है एक साल तो उसको पहले किराए पे रहता है जितने रुपए वो देते हैं वो किराए में खर्च करता है और बाकी परेशानी रुपए मिलते हैं
रुपए नहीं मिल रहे, वो परेशान बेचारे जनता, गरीब जनता परेशान, कर्जदार हो रहा है उल्टा। सही है ना, आपका लैपटॉप चला तो रहा घर पे बैठ के? लैपटॉप नहीं चला रहा ना, किराए पे जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो मेन मालिक है जनता, प्रधानमंत्री है देश का, उसकी योजना ही पूरी नहीं हो पा रही, पैसा वो ही नहीं दे पा रहे, तो और क्या देंगे, जुमलेबाजी इनकी और कुछ नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब ठीक है चलिए। हाँ, ये जो बोल रहे थे कि 15 लाख अंग है, अमित शाह जी ने खुद कह दिया ये केवल एक जुमला है, यही बोला नहीं, तो इनसे पूछे अमित शाह जी ने क्या किस वजह पर बोला कि ये जुमला? बड़ी मासूम है, आपको 15 लाख दिखाए, आप वोट दिया है? नहीं, वोट हमने दी है, अब नहीं देने। बिल्कुल आसान से आप, बिल्कुल राजनीति अगर समझिए, बिल्कुल आसान सी प्रक्रिया है। अध्यक्ष साहब ये बताइए, आप इनको 20 लाख दे दीजिए, क्या 20 लाख देंगे तुम्हें सत्ता में आने के बाद? देखिए, दे देंगे वोट, बाद में कह दीजिएगा जुमला था, मैं उनकी तरह कह दीजिएगा आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। केंद्र की सरकार से, भाजपा सरकार से, हाँ जी, आपके माध्यम से आ गए, आ गए, मैसेज आ गया, आ गए। क्या हुआ? मैं ये कहता हूँ जो ये कह रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, ये बताइए, ये ठीक है, ये बताइए, मैं घोटालों की बड़ी बात सुनता हूँ। समाजवादी पार्टी जब 2000 पहले से सत्ता में थी, 2017 से पहले, तो 2017 से पहले इन लोगों ने कोई घोटाला नहीं किया था? 2012 में दंगे कराए। ठीक है, दंगे कराए, 2017 से पहले इन लोगों ने कुछ घोटाला या कुछ किया है? 2000 घोटाले कौन से नहीं किए? 2017 से पहले घोटाले किए इन लोगों ने? 2012 से जो घोटाले हुए हैं वो जनता जो है ना इनकी बात को बाहर नहीं लाएगी। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 2017 से पहले इन लोगों ने निष्पक्ष, मतलब बढ़िया काम किया या घोटाले वगैरह भी करते थे? इस बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है अभी फिलहाल। अब बताइए, अब यहाँ पर क्या मुद्दे लग रहे हैं आपको? मुद्दे यही हैं बस, काम का, कारोबार का, नौकरियों का और सड़कों का, यही मुद्दे हैं केवल। अब जो भी सरकार आएगी जैसे सोच समझ के वोट देंगे बस। देखिए, जैसे डालडा असली और नकली होता है, घी असली और नकली होता है, चावल भी आजकल प्लास्टिक का आने लगा है। आप असली चावल है बासमती, वो प्लास्टिक के चावल है? हम असली समाजवादी हैं। शिवपाल सिंह यादव जी 40 साल से समाजवादी विचारधारा के लोगों को लेकर चल रहे हैं और दोबारा से शिवपाल जी मैदान में उतरे हैं और समाजवादी विचारधारा के लोगों को एकजुट करके 2022 की सत्ता की चाबी हमारे हाथ में होगी। सब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी चाबी है। चाबी आपके पास होगी, स्कूटर किसका स्टार्ट कर देंगे आप? हमारी चाबी ही सत्ता को चलाएगी, आप चलाएंगे? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बिना उत्तर प्रदेश में कोई सरकार नहीं बन पाएगी। ठीक है, आप जनता के हित में लगेगा, पता नहीं कौन सा वो हित है जो आपको बाद में ये नकली भी असली लगने लगेंगे। हा? जनता का हित सर्वोपरि होता है, जनता का हित सर्वोपरि। ठीक है, जनता का हित सर्वोपरि है। ठीक है, आपका भी कहना है, आपके भी कहने अपने अपने विचार है। ठीक है, अध्यक्ष आप क्या कह रहे थे? भाई हमारा कहना तो बड़ा साफ है कि ये जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसने जनता से, इस देश से लंबे लंबे वादे करे, 15 लाख लाएंगे, काला धन लाएंगे, 15 लाख आपके खातों में देंगे, 2 करोड़ रोजगार युवाओं को देंगे प्रतिवर्ष, नए कारखाने लगाएंगे, किसान की आय दुगनी कर देंगे और विकास की गंगा बहा देंगे देश में। ठीक है, सबका साथ सबका विकास भी होगा। तो ये सारे काम आपने 70 साल में नहीं किए होंगे ना, तभी उनको कहना पड़ा। बात सुनिए, उस सरकार ने, उस पार्टी ने सरकार में आने के बाद लोगों को झूठ बोलने के बाद, लोगों को लड़ाने के अलावा कुछ काम नहीं किया, कि लोगों को बेरोजगार कर दिया, कारखाने बंद हो गए, नोटबंदी कर दी, नोटबंदी से आज तक आदमी निकला नहीं, कारखाने बंद हो गए, उसका कोई लाभ नहीं मिला आम आदमी को। इधर आप देखेंगे कि रोजगार हमारा जो है वो हताशा की स्थिति में है और हम कोई आरोप की राजनीति नहीं करते। घंटा भर से तो आप आरोप ही लगा रहे हैं। आरोप की राजनीति करते हम, ये जो सरकार ने किया है हम उसको बता रहे हैं। जो किसान की आय दुगनी करने की बात थी, किसान सड़क पे बैठा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान कर्जे में दबा हुआ है, सरकार क्या कर रही है? जो आजादी की लड़ाई जिस झंडे के नीचे हमने लड़ी थी, आज हमें फिर एक लड़ाई लड़नी है और देश को बेईमानों से आजाद कराना। ठीक है, मैं समझ गया, आप कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों को एक होकर सबसे लड़ाई लड़नी होगी। ठीक है, आप कोई कुछ कह रहे थे? हाँ, वो समाजवादी पार्टी से मैं पूछ रहा हूँ, ओवैसी की पार्टी को ओट कटवा बताती है, तो चाचा की पार्टी भी क्या ओट कटवा है? बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये बताइए, ओवैसी की पार्टी वोट कटवा है, चाचा की पार्टी भी वोट कटवा है, वो पूछ रहे हैं। देखिए, जिनका दायरा बहुत बड़ा नहीं है, और दायरा का मतलब मेरा ये 1-2 सीटों पर सीमित रहते हैं, उसी तरह सोच ओवैसी साहब की है। ठीक है, मतलब इनका शिवपाल जी का दायरा बहुत बड़ा है, बहुत छोटा दायरा है, बहुत छोटा। आपने बोला कि हाँ, जिनका दायरा बड़ा नहीं है, मतलब ठीक है, असदुद्दीन का अगर बड़ा नहीं है तो इनका बड़ा है। समाजवादी पार्टी के सामने ना तो ओवैसी साहब का दायरा बड़ा है, बहुत छोटा दायरा है। इसी तरह से मैं चाचा शिवपाल जी का भी मैं कह रहा हूँ, 1 सीट तक सीमित है। अटकिए मत, देखिए वो बड़ा साफ साफ बोलते हैं, खुलकर बोलते नहीं आप, वो बड़ा खुलकर बोलते हैं, आप खुलकर नहीं बोल रहे। मैं भी खुल के बोलो, 1 सीट तक है, सारा मामला है,
वो चीज लग रहा, ओबीसी साहब का भी आप जिक्र कर रहे थे, क्या आप ये समझ लो जो सांप्रदायिक को आपने ये बात बोली, मैंने जो पकड़ी आपने बोला कि उनका दायरा इतना बड़ा नहीं है, मतलब आप मानते हैं कि शिवपाल जी का दायरा बड़ा है, आप उनको मानते हैं? मैं दोनों लोगों को करूँ, समाजवादी पार्टी को हराने के लिए तो क्षेत्र में काम कर सकते हैं 2-4% इधर उधर करने के लिए, इसके अलावा दूसरा कोई सरकार बनाने की स्थिति में तो है नहीं। तो आप मानते हैं कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो है वो भी आपके वोट काट सकती है? कहा वोट, मैं कह रहा हूँ असदुद्दीन ओवैसी के लिए आपने कहा, तो मतलब वो भी काट सकते हैं? मैंने कहा बहुत बड़ा दायरा नहीं है, वो मैं आज भी कह रहा हूँ, इस कंडीशन में नहीं है कि आदव मुख्यमंत्री जी को रोक देंगे अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से, पहले मुख्यमंत्री उनको घोषित कर दिया समझे। मैं तो चलिए ठीक है, हाँ देखिए ओवैसी साहब सुनिए, बात सुनिए, ओवैसी साहब वोट कटवा पार्टी है, इसलिए है यूपी के अंदर जो 100 सीटें हैं जो सीधे माइनॉरिटी से जुड़ी हुई, अभी वो 100 सीटों की बात कर, वहीं पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन्हीं सीटों पर वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, वो पूरी सीटों पर क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? वो कहते हैं कि मुस्लिम जो बहुत शोषित है उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है, मुस्लिम को आगे बढ़ाने की जरूरत है, तो हैदराबाद में जहाँ से वो आते हैं वहाँ पे उन्होंने कोई कहा के थे डिप्टी सीएम क्यों नहीं दिया, क्यों उन्होंने डिमांड उठाई, क्यों कहा के थे यूपी में वो ये बात कर रहे हैं? वोट कटवा पार्टी है, कांग्रेस का क्या अस्तित्व है यहाँ? कुछ भी वो नहीं है कांग्रेस का, या तो समाजवादी पार्टी है। 20 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता का वोट है, कांग्रेस बहुत सारे हैं, कोई भी कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व नहीं है यूपी के अंदर। 22 करोड़ जनता का आशीर्वाद है प्रियंका गांधी जी के साथ। कांग्रेस का है क्या यूपी में? कांग्रेस का यूपी में है ही ना कुछ? ठीक है माहौल दरअसल ठीक है नहीं ठीक है पार्टी बनाई जी सा, ओवैसी को कह रहे हैं लोग, ओवैसी ने अगर पार्टी बनाई है इलेक्शन नहीं लड़ेगा वो घर बैठ के, वो घर बैठने के लिए काम करेगा वो, क्यों खाली मुसलमानों पर लड़ेगा, सब पे लड़ेगा? ठीक है क्या नाम है आपका? हारिश, नाम बताइए हारिश। हारिश देख रहे हो कैसे लड़ रहे हैं, अब बताओ क्या लगता है इनको देखकर? कुछ नहीं, कौन सी पार्टी लग रहा है आपको कि आ सकती है? बोलिए कांग्रेस, कांग्रेस आएगी? ठीक है आपको ये पता नहीं है कि 5-5 मुख्यमंत्री मुसलमान दिए पूरे देश में, तुम्हें ये तक? अरे जब आजम का जेल में थे तब समाजवादी पार्टी कहाँ चली गई? जब आजम का जेल में था बीजेपी के सामने सारी पार्टी नतमस्तक है, वहाँ पर भी इनका कोई जनाधार बनने वाला नहीं है। ठीक है बैठिए विराजमान, सीट कभी नहीं छोड़ना, कुर्सी कभी ना छोड़ना, सब कुछ छोड़ना तो छोड़ना, कुर्सी कभी ना छोड़ना भैया। ये आप काहे जनता ऐसा काम करिए, नेताओं के काम है वो, देखिए कितनी शालीनता के साथ बैठे अभी। ठीक है आप लड़ रहे हैं, हाँ बताइए क्या वीडियो ही बनाते रह जाएंगे आप, सरकार बदल जाएगी? हाँ बताइए, ठीक है मैं इतने जो है आप तो 10 मिनट में ही पानी मांग गए। हमारी पार्टी पानी पी लीजिएगी। 100 घंटे से बैठे हैं, ये लोग कहते हैं कांग्रेस ने क्या दिया, कांग्रेस ने देश को हिंदू प्रधानमंत्री दिए हैं, मुस्लिम प्रधानमंत्री दिए हैं, मुख्यमंत्री दिए मुसलमान, ये लोग कहते हैं हमने क्या दिया। उसके अलावा मैं अब जो है काफी देर हो गई, हमारे जो बीजेपी के हमारे एक मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, ये कहा इनसे जब पूछा गया था कि बीजेपी की आप 5-10 योजनाएं बता दें, इनसे योजनाओं के नाम नहीं बताए गए और ये मोबाइल पे योजनाओं के नाम खोजने लगे, तो मैं अपने साथी को उन योजनाओं के नाम बता देता हूँ जो बीजेपी की तरफ से की। अरे रुकिए, योजनाओं को सोचिए मत, ये बता रहे हैं आपकी योजनाएं, ठीक है जो केंद्र की, कैमरा इधर करिए हाँ, जो केंद्र की सरकार ने, जो प्रदेश की सरकार ने योजनाएं चलाई हुई है इस देश के लोगों के लिए बीजेपी के द्वारा, मैं बीजेपी की उन योजनाओं को अपने दोस्तों को बता दूं। मेरे साथी गूगल पे उसे देख रहे थे, जियो का नेटवर्क चला रखा था इन्होंने, तो पहली जो बीजेपी की योजना है वो है झूठ बोलो पार्टी, झूठ बोलो योजना, जुमला बनाओ योजना, किसान को गाड़ी के नीचे कुचलो योजना, दलित की बेटी को जलाओ योजना, महिला का अपमान करो योजना, देश की संपत्ति को बेचो योजना, ये बीजेपी की योजना है। कैसी बात कर रहे हैं, अगर इन योजनाओं का पता नहीं चल रहा हो तो जियो पे देख ले, अंबानी चाचा बहुत जियो पे डाटा। ठीक है नहीं बैठी, अरे कुर्सी कहाँ छोड़ दी भैया, अरे कुर्सी कहाँ छोड़ दी, रुकिए ठीक है महिला का मुद्दा यूपी में, पहले हमारे सीएम ने हमारे एक पर्सनल एक वो बना रखा है महिलाओं के लिए, देख लिया
यही पढ़ लिया इंटरनेट पे। रुकिए, उन्होंने महिलाओं का मुद्दा नहीं, उन्होंने और चीजें भी बात करी। उन्होंने मुद्दे जो उठाते, ये सिर्फ मुद्दे उठाने वाले हैं। क्या उठाएं? इनके देश का कुछ नहीं हो रहा। भाजपा जनता पार्टी अपने लक्ष्य में है, कामयाब होगी और 2022 में हम फुल बहुमत से अपनी सरकार बनाएंगे। मैं जब भी आपके पास आता हूँ, आप कहते हैं जनता को हमारी योजनाएं पता है, हम 2022 में सरकार बनाएंगे। भैया, इसके आगे बढ़िए, ठीक है, योजनाओं की बात करिए। कौन सी योजना है, आपको क्या लगता है? मैंने योजना बताई तो आपको योजना इतनी सारी एक बार और रिपीट कर। मैं कहता रहा हूँ, आयुष्मान योजना है, वो क्या नाम है इसका एक योजना बता के क्या नाम है इसका। क्या करते हैं आप भी भैया, मजा लेते हैं, ठीक है? नहीं ठीक है, हाँ मैं चचा बता देंगे योजना। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से जो योजना है ये हमारे अखिलेश यादव की चालू है। हमारा ये वो कर रहे हैं, क्या नाम है, वो हमारी नकल कर रहे हैं। इनकी बीजेपी की कोई योजना नहीं है, कोई काम नहीं इनका नहीं है। इन्होंने जनता को लड़ाना, देश के अंदर आतंकवाद फैलाना, भूखमरी लानी देश के अंदर, भ्रष्टाचार। ठीक है, सब बातें सुनी समझी, ठीक है। अब ये बताइए, आप जो यूं मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्या है जो छिपा रहे हैं? प्रमोद कृष्णन जी को सलाहकार उनके हैं, सलाह बैठ के आपको दे रहे हैं, ये भैया चल क्या रहा है? आचार्य प्रमोद, रुके भैया, नेताओं को सुनिए। हाँ, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे देश के बहुत बड़े धार्मिक पुरुष हैं, श्री कल्कि पीठ के पीठाधीश्वर हैं। ठीक है, वो अच्छा आपने बताया, अच्छा परिचय दिया, लेकिन उनके सलाहकार हैं, आपको सलाह काहे दे रहे हैं? शिवपाल सिंह यादव जी श्री कल्कि पीठ से जुड़े हुए हैं और आचार्य प्रमोद कृष्णम जी श्री कल्कि पीठ की तरफ से हमें आशीर्वाद देने के लिए आए थे। उन्होंने श्री कल्कि पीठाधीश्वर होने की हैसियत से शिवपाल सिंह जी को आशीर्वाद दिया। समाजवादी पार्टी की विचारधाराओं से, उसके काम से, उसकी योजनाओं से, जो हमने सबके लिए काम किया है। आपने कहा कि समाजवादी जो विचारधारा है उसको देखते हुए जनता आपको वोट देगी। आप प्रगतिशील वाले कह रहे हैं कि समाजवादी उनका असली वाला है, तो उनको ना वोट दे दें कहीं। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, उनके नेताजी मुलायम सिंह यादव जी हैं, शिवपाल यादव जी ने एक अरसे उनके साथ काम किया, वो भलीभांति जानते हैं। वो उनको भी पता है कि बिना समाजवादी पार्टी, आपको जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, पूरा चैनल पूरी अवाम जान रही है कि उत्तर प्रदेश में किसका जनाधार है और अवाम किसके साथ है। सब जानते हैं कि अखिलेश यादव जी फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है, उत्तर प्रदेश की जनता ने, इस देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी का संघर्ष, आदरणीय प्रियंका गांधी जी का संघर्ष देखा है। ठीक है, अब सुनिएगा, आपसे एक सवाल था और बड़ा सीधे स्पष्ट शब्दों में जवाब दीजिएगा। ये बताइएगा, आपने, ये वैसा सवाल है जिसको मेरे को लगता है कि हर जगह जाकर पूछना चाहिए ताकि आपकी पार्टी की भी बात हो सके, आपने वैक्सीन लगवाई, हाँ या ना? बिल्कुल, मैंने वैक्सीन लगवाई। ठीक है, वैक्सीन आपने लगवाई, बीजेपी की वैक्सीन लगवाई या सरकार की वैक्सीन लगवाई? जब कोई एक मिनट, जो कुर्सी होती है वो नहीं, सीधे देखिए, स्पष्ट जवाब चलेगा, आपने सरकार की वैक्सीन लगवाई या फिर बीजेपी की वैक्सीन लगवाई? जिस तरह से भारतीय भारतीय जनता पार्टी एक मैसेज दे रही है क्या? नहीं, अरे आप जलेबी मत बनाइए, मैं आपसे नहीं, आप देखिए, आप बिल्कुल सीधे रखिए, ये बताइए आपने बीजेपी की वैक्सीन लगवाई या सरकार की वैक्सीन लगवाई? भाई बीजेपी की वैक्सीन हो गई, ये तो एक तरह से आपने बीजेपी की वैक्सीन लगवा ली। तो बीजेपी के तो भाजपा ही निकले, भाजपा ही क्यों निकला मैं, पैसा मेरा। अरे भैया ले भैया, इंजेक्शन तो टुचुकवा लिया, इंजेक्शन टुचुकवा के बैठे बीजेपी का। हाँ बात सुनो, आपने बीजेपी की वैक्सीन लगवाई? भाई मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जी ने पहली दफा एक बयान दिया था, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, मत लगवाना, आपने फिर भी लगवा ली। मैं एक मिनट, आप मानते नहीं अपने नेताजी की बातें? मैं क्यों नहीं मानता नेताजी की बातें? बीजेपी की वैक्सीन क्यों लगवा ली? मेरी बात सुन लीजिए, वैक्सीन आई, हमारे साइंटिस्टों ने, हमारी आपके साइंटिस्ट कहाँ भैया? समाजवादी पार्टी कार्यालय में कौन सा साइंटिस्ट बैठता है? रुकिए, एक मिनट, नहीं आप सही बात कर लीजिए, कंपलसरी क्यों करें सरकार हर जगह सर्टिफिकेट यात्रा करो सर्टिफिकेट? रुकिए, वो कुछ और मुद्दा, रुकिए, ये बताइए, ठीक है, आप ये बताइए, ठीक है, आपने ठीक है, रुकिए, अभी इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा कि हमारे साइंटिस्टों ने, एक मिनट, अरे रुकिए भैया, अरे उत्तेजना नहीं, रुकिए, आपने एक मिनट, अरे ना, बिल्कुल उत्तेजित मत होइए, ये बात समझिए, इन्होंने अभी कहा कि हमारे साइंटिस्टों ने, समाजवादी पार्टी कार्यालय में साइंटिस्ट भी बैठते हैं, बताया नहीं आपने? मेरी बात सुनो, जिस देश में जो डॉक्टर है
इस देश तो पहले भी कह रहे थे कि वैक्सीन हमने बनाई आपने कहा बीजेपी की वैक्सीन है पहले स्टेटमेंट में। मसाला कहां से तैयार होकर आया? मसाला वैक्सीन का जो मसाला कहां से तैयार होकर आया था उसका मुझे नहीं पता, आप बताइए। जो विदेश से हमने जो WHO ने उसका सारी वो पूरी बना के 1.5 साल के अंदर कोई वैक्सीन तैयार। पहले क्या कम था? पहले नमक कम था कि हल्दी कम थी जो आपने मना किया लगाने के लिए? उनकी नेत में सारी चीजें कम थी भारतीय जनता पार्टी, बाद में कैसे सब बराबर हो गई? नहीं, वो तो मजबूरी थी, लोगों ने अपने परिवार को भी बचाना है। मेरे को ये बताइए, पहले अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये बीजेपी की वैक्सीन है मत लगवाना, लोगों ने नहीं लगवाई, आपके लोगों ने, उसके बाद फिर कहा गया, अरे वैक्सीन में कौन सा संशोधन भैया, कौन सी व्हाट्सएप ग्रुप में आप फंसे हुए? ये रुके, ठीक है, रुके कुछ मीडिया मोदी की, कुछ समाजवादी पार्टी। बहुत बढ़िया बहुत देर से इंतजार था कि ये जवाब कब आएगा। बहुत बढ़िया जैसे गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी की गोद, आपकी गोद में बैठते हैं? कुछ नहीं, मैं आपकी गोद में कौन बैठा? मेरी गोद में कौन? आपकी गोद में कौन बैठा? आप बैठे हो, मैं आपकी गोद में बैठा हूँ, तो मैं आपकी साइड हूँ, मतलब ठीक है। बस अब ये बताइए, अब ये ठीक है इन्होंने कहा कि मैं इनकी गोद में बैठा हूँ, मतलब मैं आपका साथी हूँ। मेरे पे ध्यान है, आप मीडिया को खरीदने का काम करते हैं। मैं खरीदने की बात नहीं कर रहा, आपने तो कहा गोद में बैठे हैं, पार्टी को समाजवादी पार्टी हरा रही, आपका पूरा फोकस मेरे पास है। मेरा फोकस वैक्सीन पर है, आपकी वजह से। रुकिए, ये कितना गंभीर मसला है, रुकिए, ये कितना गंभीर मसला है, कि समाजवादी पार्टी ने, ये मैं इसलिए हर क्षेत्र में कहता हूँ, समाजवादी पार्टी ने पहले कहा कि वैक्सीन मत लगवाना, फिर बाद में कहा कि वैक्सीन लगवाना। आप ये बताइए, रुकिए, ठीक है, तेल की बात नहीं करते, गैस की बात नहीं करते, अब शिवपाल जी का, कांग्रेस का, समाजवादी का जिक्र करते हैं। आप किसान की बात करिए, नौजवान की नौकरियों की बात करिए, भारतीय जनता पार्टी ने पेट्रोल इतना महंगा कर दिया उसकी बात करिए, आप जनता के हित की बात करिए, आप लड़ाने की बात कर रहे हो, उलझाने की बात कर रहे हो, तो आप गोदी मीडिया है नहीं है। ठीक है आप बताइए जी, बताना उत्तेजित हो रहा था, आपसे बात करूं। नहीं, आप जो सवाल कर रहे हैं बीजेपी की वैक्सीन, बीजेपी की क्या मतलब है वैक्सीन का, भारतीय वैक्सीन ने तो ये बात कभी कही ही नहीं, अखिलेश यादव जी ने ये बात कही, पहले कही थी जब इन्होंने अपना फार्मूला तैयार किया। करें, भूल जाए भारतीय फार्मूला, भारतीय फार्मूला भारतीय वैक्सीन आप देख रहे होंगे, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो भारतीय वैक्सीन के नाम से जा रही है। अरे पहले किस नाम से जा रही थी? पहले जाने दी थी, जो हमारी एम्बुलेंस थी उन पे भी भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक ये नहीं बताया कि आपने वैक्सीन बीजेपी की लगवाई है सरकारी। आप अलग अलग बातों में जा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, आपने मुझे वैक्सीन की बात की, आप बता दीजिए, आपसे बात कर रहा हूँ, एक मिनट। वैक्सीन सुरक्षा का मसला है, स्वास्थ्य का मसला है, वैक्सीन किसी, ठीक है, आपने अखिलेश, ठीक है इन्होंने कहा, जनता सुनिएगा, ठीक है, जनता सुनिए, आप बैठिए, आप पेट्रोल बताइए, कुर्सी मत छोड़िए, मैं बार बार कह रहा हूँ, कुर्सी मत छोड़िए, वो लपक के बैठ जाएंगे, आप लपक के, ठीक है, बैठिए, कुर्सी कभी नहीं छोड़, बैठ जाइए अध्यक्ष जी कह रहे हैं, बैठ जाइए रुकिए, इन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाना जो है वो स्वास्थ्य का मसला है, वैक्सीन लगवाना जो है वो सुरक्षा का मसला है, लेकिन बेकार की बात नहीं कर रहा हूँ, स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब अखिलेश यादव जी ने कहा कि बीजेपी की वैक्सीन है, तो इस वजह से कितने ही आपके पार्टी के कार्यकर्ता के लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, इससे कितना नुकसान हुआ है, ये सच्चाई है, जनता कितने भी नारे लगा ले, लेकिन इससे नुकसान हुआ है सच में। क्या आपने अपने पार्टी के जो अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश यादव जी, उनको लेटर लिख के कहा कि आपने गलत बात बोली है, क्योंकि उन्होंने यूटर्न लिया है बाद में? देखिए, अखिलेश जी ने लगवाई, उन्होंने भी बाद में लगवाई, सबके लगी वैक्सीन है, लगनी चाहिए थी, बिल्कुल लगनी चाहिए। आपने पार्टी अध्यक्ष को ट्वीट किया या लेटर लिखकर बोला कि आपने गलत बोली पहली बात? आदरणीय अखिलेश यादव जी के ट्वीट पे ही और उन्होंने उनके लेटर पे ही जो कार्यकर्ता थे सबके उन पर आदरणीय से, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बात समझाता हूँ, आप काफी देर से उद्देश्य हो रहे थे, मेरी 5 सेकंड की एक बात को समझिएगा। अगर आपका पार्टी के नेता अगर कुछ गलत बोलते हैं तो उस बात को गलत ठहराने की क्षमता रखिए, ठीक है। आपने अगर उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की वैक्सीन है मत लगवाना, हमारी सरकार बनेगी तब लगवाना, आप वैक्सीन ना लगवाते आपके स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ था। नारे लगाना आसान है, बातें करना आसान है, बातों को समझना जरूरी है, ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए अब आखिरी कमेंट लूंगा, नेताओं से आखिरी कमेंट लूंगा, जनता में अगर कोई कुछ कहना चाहता हो तो वो कह सकता है जी। कहना चाह रहा हूँ, ये जो कांग्रेसी खड़े बने बैठे हैं, जब बाबरी मस्जिद गिराई जा रही थी, ठीक है जी, कांग्रेस देखिए यहाँ पर, कांग्रेस पार्टी ही सड़क पर संघर्ष कर रही है। एक यहाँ से सवाल आया, एक सेकंड, कांग्रेस किया ये देश, समाजवादी पार्टी,
समाजवादी पार्टी। मैं ये कह रहा हूँ, जब बाबरी मस्जिद गिरवाई जा रही थी तो ये नरसिंह राव प्रधानमंत्री हंस रहा था, कांग्रेस हंस रही थी, क्या मुसलमानी ने वोट दे देगा, किसी कीमत पर वोट नहीं देगा, साइकिल को वोट देगा, अखिलेश यादव को वोट देगा, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चाचा ने बहुत बढ़िया बोला, ठीक है आप कुछ कह रहे थे। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर ये कह रहे थे, अरे एक मिनट बोल ले बाबा यार, बोल ले दी। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर ये कह रहे थे, मुस्लिम समाज के लोग, कि कांग्रेस ने मुसलमानों को क्या दिया। मैं आज उनको बता देना चाहता हूँ, जितने भी लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, जब मुसलमान कांग्रेस को वोट करता था तो उस जमाने में 5 राज्यों में 5-5 मुख्यमंत्री दिए। राजस्थान में जहाँ 7% मुसलमान है, वहाँ अब्दुल रहम, महाराष्ट्र में अब्दुल रहमान अंतुले, और आसाम में सैयद अनवरा तैमूर मुख्यमंत्री दी। और ठीक है चलिए, ठीक है करो, भाजपा की तरह, भाजपा की तरह बातें मत करो, भाजपा ने कुछ नहीं दिया, कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, समाजवादी पार्टी सबके हृदय से पार्टी, ओ सॉरी समाजवादी पार्टी कांग्रेस। ठीक है तुमने अपने नेता तक को तो छुटवाया नहीं, आजम खाबू। मैं केवल अब जनता की तरफ से केवल एक बात, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है पड़ेंगे गांधी की टक्कर में। सुनो ये बीजेपी वाले, जमीन बेच देंगे, मुर्दों के कफन बेच देंगे, अगर इनका राज हुआ तो ये भारत वतन को बेच देंगे। ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी कांग्रेस से मिली हुई है, क्या सबूत है? आप हमारे सबूत दिखा दें कि हमारी भाजपा से मिली हुई है। हम किसी पार्टी से नहीं मिले हुए, हम अपनी बहुमत से अपनी सरकार बनाएंगे, और हमने बनाई है। लास्ट कमेंट चल रहा है, आपकी सरकार क्यों आनी चाहिए, आप लोग किंग मेकर की भूमिका में क्यों आने चाहिए, लास्ट कमेंट दीजिएगा। हम लोग इसलिए आने चाहिए क्योंकि समाजवादी सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने का काम करती है। हमारा मानना यह है कि ये सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम नहीं कर रही, इसलिए समाजवादी विचारधारा के लोगों को एकजुट होकर सरकार बनाना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप क्या कह रहे थे, आप बताइएगा। देखिए हमारा मानना है कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, देश की आज़ादी के सफर से लेकर यहाँ तक का जो सफर है वो हमें ये बताता है कि हमने देश की सेवा की है, देश का निर्माण किया है, बड़े बड़े कारखाने और योजनाएं, एम्स और रोजगार हमने इस देश को दिया है। और आज हमारी जिम्मेदारी है बड़ी पार्टी होने के नाते कि जो देश में हो रहा है वो ख़त्म हो, देश में सुख हो, शांति हो, सबका विकास हो, भाईचारा कायम हो, और जो ये नफरत की राजनीति चल रही है ये ख़त्म होनी चाहिए। मैं ये लास्ट कमेंट आपका ये रहेगा कि आपकी जो पार्टी है उसे सत्ता की चाबी क्यों दी जाए। देखिए अब से पूर्व में भी देखा तमाम जनता ने, अखिलेश जी ने विकास किया है, नौजवानों को लिए नौकरियों का नहीं, मैं आगे की बात कर रहा हूँ, आगे क्या है आपके पास? मेरे पास बहुत मसाला आ गया और मेरी पार्टी के नेताओं के पास बहुत कुछ है करने के लिए। मसाला जल भी जाता है कई दफा, जलने के लिए तेल, चावल, चीनी, सूजी, पत्ती, विकास हो और नौकरी मिले, 10 लाख नौकरी जनता को देने का वादा किया। कहने का मतलब ये साले मसाले बना के, मैं कह रहा हूँ 300 यूनिट बिजली का घोषणा हमारे घोषणा पत्र में आ जाएगा कि यूनिट फ्री किया जाएगा, अखिलेश जी ने कहा। ठीक है, मैं समझ गया, अगर इनकी सरकार बनती है तो जैसे हमें अभी अंधेरे में कार्यक्रम करना पड़ रहा है तो उजाले में कार्यक्रम करने को मिलेगा। देखिए भाई मैंने क्या कहा आपको, जो जनता बिजली का भारी बजगर उनको पड़ रहा है, बोझ पड़ रहा है उनकी जेब पे, अखिलेश जी ने क्या 300 यूनिट फ्री देंगे, वो तो आम आदमी पार्टी भी कह रही है हम भी दे देंगे। मैं बता रहा हूँ जो चीज हमने कहा वो अमल में लाए, पिछली सरकार आपने देखी हो, दिल्ली में ले आए वो ऐसे कहते हैं। मैं बताता रहा हूँ जो हम, ये तो एक ही चीज होगी ना, आम आदमी पार्टी भी कह रही है 300 यूनिट देंगे, आप भी 300। आम आदमी के लोगों से पूछे जब उनकी सरकार बने या उनसे, तो आप उनसे पूछेगा। चलिए ठीक है, अब मैं सबसे कहना चाहूंगा, अपने बड़े भाई से कहना चाहूंगा, अगर आपके पास बहुत सारे मसाले हैं तो जाके एक ढाबा खोल लीजिए, रेस्टोरेंट चलाइए, होटल चलाइए, सत्ता कांग्रेस के लिए छोड़ दीजिए, कांग्रेस इस प्रदेश की सरकार को बहुत अच्छे से। चलिए ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आज हम लोग हापुड़ की धरती पर मौजूद है, एक बार सभी लोगों के लिए तालियां हो जाए जोर जोर से, ठीक है, बहुत जोर जोर से तालियां हो जाए। ठीक है, तो आज का कार्यक्रम यही था, इसको समाप्त करने का अब समय आ चुका है, नेताओं ने बड़ी बखूबी शानदार तरीके से जवाब दिए, जनता ने भी उनसे बखूबी अच्छे शानदार तरीके से सवाल पूछे, अगला पड़ाव क्या रहेगा ये आप हमको बताइएगा जरूर, लेकिन आज के कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही, एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी अगली विधानसभा में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।